सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मणि से पाठ 3 सुखदा मणि पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 20 निकालिए। बच्चों, गुणवान और बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा सदा होती है। हमें भी विद्वान व्यक्तियों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में गोपाल से ईर्ष्या करने वाले पंडितों को क्या सबक मिला, आइए पढ़कर जानते हैं। किसी राज्य में गोपाल नाम का एक मंत्री था। वह बहुत विद्वान था। वह अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण बहुत लोकप्रिय था। राज दरबार में गहन गंभीर प्रश्नों के उत्तर वह बड़े ही सरल शब्दों में सहज ही दे देता था। गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता से पंडितों का एक वर्ग उससे ईर्ष्या करने लगा। पंडितों ने कई बार गोपाल को यह कहते सुना था कि उसके पास सुखदा मणि है, इसलिए दुख तो जैसे उससे डरकर दूर भाग जाता है। उसी मणि के कारण वह सदा प्रसन्न रहता है। गोपाल का आदर सम्मान राज दरबार में ही नहीं बल्कि समाज में भी था। लोग जब अपनी परेशानियां और समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे तो पंडितों को यह दृढ़ विश्वास हो चला कि किसी संत ने जरूर इसे कोई मणि दी है जिससे यह इतना बुद्धिमान, प्रसन्नचित और लोकप्रिय है। एक बार ईर्ष्यालु पंडितों ने उससे मणि लेने की ठान ली और शाम होते ही उसके घर पहुंचे। घर में गोपाल को अकेले पाकर उन्होंने आव देखा न ताव बस उसे पीटने लगे। गोपाल ने धीरज रखकर पूछा, अरे भाई, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? आपको जो चाहिए मैं वह देने को तैयार हूं। पंडितों ने सोचा, वाह, यह तो बहुत जल्दी मान गया। उनमें से एक पंडित ने गुस्से में कहा, सुना है तुम्हारे पास सुखदा नाम की मणि है जो सभी प्रकार का सुख देती है, बस हमें वही मणि चाहिए। गोपाल मन ही मन मुस्कराया और बोला, इतनी सी बात? ठीक है, अब मारना बंद करो, मैं खुशी से तुम्हें वह मणि दे दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। उनमें से एक ने सोचा, कहीं यह कोई चालाकी ना कर जाए। वह बोला, ठहरो, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें मणि यहीं लाकर देनी होगी। गोपाल तुरंत बोला, अरे भाई, डरो नहीं, मैंने उस मणि को चोरी के डर से खेतों में गाड़ दिया है। अब हमें वहां चलना होगा, तभी तो मैं तुम्हें वह जगह बता सकूंगा जहां मैंने मणि छिपाई है। आप जमीन खोदकर निकाल लेना। कोई दूसरा उपाय न देखकर सभी पंडित फावड़े लेकर उत्सुकता से उसके पीछे हो लिए। खेतों के बीच में पहुंचकर एक जगह गोपाल रुक गया और उन्हें बताने लगा, यहां से केवल 100 कदम की दूरी पर मैंने उसे छिपाया था। बच्चों, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।